गणपत टीजर के इस फ्रेम को क्या आपने नोटिस किया? अब इसमें ऐसा खास क्या है, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो नमस्ते दोस्तों, टाइगर 3 और एनिमल के टीजर के बाद हमें गणपत का टीजर देखने के लिए मिला, स्टारिंग टाइगर श्रॉफ और इसके डायरेक्टर विकास बहल, जो कि कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले विकास बहल ने क्वीन फिल्म 2013 में डायरेक्ट करी थी। बाकी अगर इस फिल्म की बात करें तो ये मूवी आज से करीब 47 ईयर बाद की कहानी होने वाली है, जिसका हमें पार्ट 1 20 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगा। इस टीजर के बस एक दो सीन को छोड़कर 200 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मस्त VFX और CGI दिए हैं। मतलब इन्होंने इस फिल्म के लिए रियल लाइफ लोकेशन को यूज करके उसे फ्यूचरिस्टिक बनाया है। तो चलिए इस टीजर का ब्रेकडाउन करते हुए इसकी स्टोरी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। टीजर स्टार्ट होता है टाइगर श्रॉफ की समाधि वाले पोजीशन से, जिसमें टाइगर ने मूलाधार वाला हैंड जेस्चर बना रखा है, जो कि हमारे रूट मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब यहाँ पर टाइगर श्रॉफ ध्यान लगा रहा होता है और इसके बैकग्राउंड के सरफेस में स्मोकी स्मोक रखी हुई है। अब ये क्या है, इसकी थ्योरी में बाद में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अगले शॉट में हमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, और अगर मैं इस फिल्म के शूटिंग लोकेशन की बात करूं तो वो लद्दाख, यूनाइटेड किंगडम और मुंबई है। तो ये वहाँ की लोकेशन तो नहीं है, तो बस ये हमें इनके फ्यूचर वाली दुनिया को दिखाया गया है। और फिर हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड विदाउट होप, और हमें ये लोकेशन दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि मुंबई में लोगों की हालत बहुत खराब है। अगले वाला लोकेशन भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए गए हैं जो किसी हायर अथॉरिटी का वेलकम कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर पीछे की तरफ ध्यान दोगे तो वो एक बड़ी वॉल के अंदर से आ रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि शुरुआत में जो ये बड़ी बिल्डिंग वाला शॉट दिखाया गया था वो इस दीवार के पार का है, और जहाँ पर गरीब लोग स्लेव बने हुए हैं वो ये वाली जगह है जहाँ पर ये रॉयल कार आ रही है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वही बस्ती वाले साइड में जा रहे हैं, क्योंकि अगले ही शॉट में हमें उसी सेम कार को दिखाया जाता है, जिसके आने से ये सभी इकट्ठे होकर सर झुका रहे हैं। अगले वाले शॉट को देखकर हम इनकी सिचुएशन को भी समझ सकते हैं कि उनको खाना खाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसी के बाद हमें इनकी सिचुएशन को दिखाया जाता है। अगर ये गलती से पानी भी पी ले तो इनको मार दिया जाता है। इसके अगले ही शॉट में हमें उस जेट को दिखाया जाता है जो पहले दिखा था, और फिर हमें एक बड़े से दरवाजे को दिखाया जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पहले वाला वॉल का दरवाजा है जहाँ से वो रॉयल कार आ रही थी। अगले वाले शॉट में हमें फिर से वही टाइगर श्रॉफ को दिखाया जाता है, और इसके पीछे कुछ सोल्जर्स को जो हमें आगे मार खाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर आप इसके बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये कोई स्मोक नहीं है बल्कि पानी है, तो हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ किसी केव के अंदर हो। इसके बाद हमें एक मंदिर की घंटियों को दिखाया जाता है, और इसके अगले शॉट में सब मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये उसी बस्ती के लोग हैं जिन पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। और अगले वाले शॉट में हमें इस मंदिर के पंडितों को भी दिखाया जाता है जो शंख बजा रहे होते हैं, और साथ में हमें बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनने के लिए मिलती है, जो कह रहे होते हैं कि तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। और आगे के शॉट में हमें अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है जो उन्हीं लोगों को ये सब सुना रहा होता है जो अपनी लाइफ गरीबी में जी रहे होते हैं। लेकिन इस ट्रेलर के कुछ सीन में टाइगर श्रॉफ एक रेसलर से लड़ रहा होता है, और उसी के अगले शॉट में हमें एक रोबोटिक टाइगर को दिखाया जाता है जो किसी काले कपड़े पहने हुए बंदे के पास जा रहा होता है, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई गेम का कैरेक्टर हो, क्योंकि यहाँ पर CGI वगैरह दिख रहा है, और इसी के बैकग्राउंड को इन्होंने साइबर पंक वाला बना रखा है। इसके अगले ही शॉट में हम एक जेट को देखते हैं, और उसके अगले वाले शॉट में हम उस पूरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर शायद वो लोग रहते हैं, और साथ में जो बाइक है उनके बारे में आगे बताऊंगा। फिर अगले वाले शॉट में हम टाइगर श्रॉफ को कुछ चाइनीज लोगों से लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि जिस शॉप में वो लड़ रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड में थ्रॉट स्लेयर चाइनीज में लिखा हुआ होता है, और वहाँ पर टाइगर के साथ साथ कृति सैनन भी लोगों को पीट रही होती है, जो कि देखकर मस्त लग रहा है। फिर अगले वाले शॉट में हम एक बंदे को देखते हैं जिसको टाइगर श्रॉफ मार रहा होता है। अब इस वाले शॉट में वही बाइक देखते हैं जिसमें दो लोग सवार हैं, आगे वाले शॉट में ये देखकर कंफर्म हो जाता है। फिर हम आगे एक आदमी को देखते हैं जो टाइगर श्रॉफ से लड़ रहा होता है। अब हो सकता है कि यह कोई विलन हो, लेकिन अगर आप इसके पहनावे को ध्यान से देखोगे तो ये वही कपड़े हैं जो अमिताभ बच्चन ने इसमें पहन रखे होते हैं। बाकी के बचे हुए शॉट में ऐसा कुछ खास नहीं था। तो चलिए अब थ्योरीज की बात कर लेते हैं कि इसकी कहानी एग्जैक्ट क्या हो सकती है। तो जो हमने वो रॉयल कार देखी थी उसमें जो बंदा होगा वो मूवी का मेन विलन हो सकता है, और जो पुअर लोग हैं वो उन सबको कंट्रोल करता है। इसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होने लग गए हैं। साथ में जो हम रेसलिंग वाला जो पार्ट देख रहे थे वो दोनों जगह पर हो सकता है, मतलब जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर भी, और टाइगर श्रॉफ उन सबसे लड़ रहा है।
और ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ हर एक टूर्नामेंट में सबको हरा कर हायर अथॉरिटी के पास जाए। और अगर आप गरीब लोगों को देखोगे तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर अंग्रेज और चाइनीज भी रहते हैं और साथ में सब गरीब हैं। और टाइगर श्रॉफ पार्ट 1 में कुछ तो उनके लिए करेगा, मतलब उनके लिए लड़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलना। और अगर आपको टाइगर 3 और एनिमल का रिव्यू वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाले साइड में क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम गंगणपतये नमः।